हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 24th ऑफ अक्टूबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन अपने आपको इन्हीं लेवल से ये जो नीचे का लो अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये लो इसके आसपास से ही यहाँ पे आज के दिन क्या किया है, ये संभलने की कोशिश की है अपने आप को। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा हम लोग को वोलेटिलिटी दिख रही है। आज के दिन होना क्या था, ये जो लो था, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होना था और इसके ऊपर ही कहीं ट्रेड करता तो बहुत ही बेटर रहता। एक दो दिन जैसे हम लोगों ने बात किया था, एक दो दिन इसके अंदर और ट्रेड करता है, उसके बाद किसी वन डायरेक्शन में मोमेंटम देता है तो ज़्यादा हमारे लिए टेक्निकली वो हम लोग को ज़्यादा सही दिखेगा और हम लोग को वन वे डायरेक्शनल कुछ पता चल पाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसने ये जो रेड कैंडल था इसके लो को आज के दिन ब्रेक कर दिया है, तो कल के दिन एक फॉलो थ्रू मिलता है तो थोड़ा और नीचे की ओर जा सकता है। अदरवाइज अभी भी वॉलीटिलिटी बनी हुई है और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, अभी भी इसी जोन में ये कल के दिन भी यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर दो सिनारियो क्रिएट होते हैं हमारे। एक तो हमारा ये क्रिएट होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला केस जो है इसी जोन में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने का है, एंड जो सेकंड केस है उसमें थोड़ा सा ये यहाँ से नीचे की ओर निकल सकता है। अब नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास 2970 का लेवल है। 2970 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग नीचे की ओर एक नए लेवल जो कि हो सकता है 2955 के आसपास का, ठीक है, 2955 का आसपास का लेवल है, इसको रिटेस्ट कर सकता है। वैसा क्यों हो सकता है, अगर इसके पीछे जाएंगे तो अगर आप आज का कैंडल देख रहे होंगे तो यहाँ से बाइंग हुआ, ठीक है, और बाइंग के बाद फिर सेलिंग हुआ, मतलब दोनों ओर कहीं ना कहीं मोमेंटम रहा। ये वाला मोमेंटम मिसिंग है, ये साइडवेज वाला मोमेंटम मिसिंग है और यहाँ पर ये मोमेंटम हुआ था, यहाँ पर भी सेलिंग, ठीक है, यहाँ पर भी सेलिंग, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर सेलिंग। तो एक बार ये वाला जो साइडवेज वाला है अगर ये यहाँ पे पैटर्न बन जाता तब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता और मैं बोल सकता था आपको कि टेक्निकली यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे की ओर गिरेगा। लेकिन ये वाला चीज़ पेंडिंग है तो हो सकता है कल के दिन ये वाली चीज़ अगर यहाँ पे होती है ऊपर इन लेवल्स के आसपास तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर ये 2971 के ब्रेक करता है तो 2955 के आसपास से फिर से ऊपर की ओर आ सकता है। जैसे यहाँ से इस तरीके से बाउंस बैक मिला उसी तरीके से यहाँ से भी इस तरीके से बाउंस बैक मिल सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को मैच करेंगे तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन बन जाएगा, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा फर्स्ट ब्रेकआउट पे तुरंत जाके एंटर नहीं करेंगे। अगर रीटेस्ट करके ऊपर की ओर निकल के अपना हाई ब्रेक कर रहा होगा तब यहाँ पे ऊपर की ओर निकलने के चांसेस बन सकते हैं। थैंक यू।